डायना वो लाल किताब उन तीनों को दिखाते हुए कहती है, ये रही उस अघोरी की किताब, आखिर ये मुझे मिल ही गई। अभिमन्यु डायना से कहता है, डायना पक्का ये वही किताब है ना जिसकी तुम तलाश कर रही थी? डायना अभिमन्यु को घूरते हुए कहती है, हाँ अभी ये वही किताब है, रुको मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। इतना कहकर डायना उस किताब को खोलने लग जाती है। डायना उस किताब का कोई सा पेज खोलती उससे पहले ही अभिमन्यु डायना को टोकते हुए कहता है, डायना तुम्हारा इरादा क्या यहीं पर इस किताब को पढ़ने का है जो इस किताब को यहीं पर खोल रही हो? रहने दो, इसे खोलने की कोई जरूरत नहीं है। डायना तुरंत पलट कर कहती है, नहीं अभी मैं तो इसे बस इसलिए खोल रही थी ताकि तुम्हें। डायना अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अभिमन्यु उसे टोकते हुए कहता है, डायना मुझसे अब ये गंध और सहन नहीं हो रही है, सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा हूं मैं। एक काम करो, तुम इसे अब कुटिया में ही पढ़ना, अब चलो यहां से। युग भी अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है, हाँ हमें निकलना चाहिए यहां से, अभिमन्यु ठीक बोल रहा है, मुझे भी इस तहखाने में बहुत अजीब सा लग रहा है। यामिनी भी युग के पीछे ही बोल पड़ती है, हाँ युग बाबू चलिए, वैसे भी जिस काम के लिए हम आए थे वो तो हो ही चुका है, डायना को अघोरी की किताब मिल चुकी है। अगले ही पल वो चारों तहखाने से बाहर निकलने लग जाते हैं। चार दिन बीत गए थे और इसके साथ ही कामेश्वरी यक्षिणी ने तारा के साथ मिलकर आग्नेयम यज्ञ, श्रोतामणि यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और ज्योतिषोम यज्ञ, ये चार यज्ञ पूर्ण कर लिए थे और अब बस तीन यज्ञ बचे हुए थे जिसे कामेश्वरी यक्षिणी तारा के साथ पूरा करने में लगी हुई थी। साथ ही कार्तिक पुजारी भी पूरी लगन के साथ शंखरस को मंत्रों से अभिमंत्रित करने में लगे हुए थे। वे एक के बाद एक मंत्र पढ़े जा रहे थे। एक तरफ कामेश्वरी यक्षिणी और कार्तिक पुजारी मिलकर तारा की शक्ति को जागृत करने का कार्य कर रहे थे तो वहीं पर दूसरी तरफ डायना, कायर और कछुए पर किए हुए वशीकरण को तोड़ने के लिए बार बार अघोरी की किताब पढ़ रही थी। उसने कई बार उस किताब को पूरा पढ़ लिया था पर तब भी उसके समझ नहीं आया था कि भक्षानर के अंश ने कायर कछुए पर कौन सा वशीकरण किया है। इसलिए अब वो उस किताब में मौजूद वशीकरण के हर पहलू को बड़ी गहराई के साथ पढ़ रही थी ताकि वो समझ पाए कि भक्षानर के अंश ने उन दोनों पर कौन सा वशीकरण किया है। किस शख्स पर कौन सा वशीकरण किया गया है इस बात का पता लगाना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब वो शख्स आपके सामने ना हो जिस पर वशीकरण किया गया हो। और इस वक्त डायना भी उन्हीं मुश्किलों से गुजर रही थी। उसके सामने कायर कछुआ नहीं थे जिनका उसे वशीकरण तोड़ना था। डायना किताब पढ़ते हुए खुद से बड़बड़ाती है, आखिर इस भक्षानर ने कायर और कछुए पर कौन सा वशीकरण किया है? कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा मुझे, ये वशीकरण इतने ज्यादा प्रकार के क्यों होते हैं कि हर वशीकरण को समझने में मुझे इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है? काश इस वक्त कायर और कछुआ मेरे सामने होते तो मैं तुरंत पता लगा लेती कि उस काले साए ने उन पर कौन सा वशीकरण किया है, मुझे इतनी माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जहां डायना एक तरफ कुटिया के अंदर बैठकर किताब पढ़ने में लगी हुई थी तो वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु भी उसी कमरे के अंदर बैठा हुआ था, पर उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां पर होकर भी वहां पर मौजूद ना हो। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, कुछ ऐसा जैसे वो किसी चीज की अलग ही तैयारी कर रहा हो। अभिमन्यु मन में सोचने लग जाता है, उस भक्षानर के अंश से लड़ने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा, इस बार मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, इस बार किसी भी हालत में मुझे उसका अंत करना है ताकि ये सब खत्म हो सके। पर मैं ये सब करूं कैसे, मैं कैसे उस भक्षानर के अंश को हरा सकता हूं? जहां एक तरफ कुटिया के अंदर बैठकर अभिमन्यु भक्षानर के अंश को खत्म करने के बारे में सोच रहा था तो वहीं दूसरी तरफ युग कुटिया के बाहर मौजूद बड़े से समतल पत्थर पर बैठा हुआ था, वही पत्थर जिस पर वो अक्सर आकर बैठ जाया करता था। जितना ज्यादा परेशान अभिमन्यु नहीं था उससे कहीं ज्यादा परेशान इस वक्त युग था और उसकी परेशानी की वजह थी उसके हाथ पर मौजूद वो निशान जो कभी भी पीली रोशनी के साथ अपने आप चमकने लग जाते थे जिस पर वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। युग घबराते हुए मन में सोचने लग जाता है, ये क्या हो रहा है मुझे, क्यों मैं अपनी शक्तियों पर काबू नहीं कर पा रहा हूं? पता नहीं जब वो भक्षानर का अंश मेरे सामने आएगा तब मैं उससे लड़ भी पाऊंगा या नहीं। जहां एक तरफ पत्थर पर बैठकर युग ये सब सोच रहा था तो यामिनी भी युग के आसपास ही टहल रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी के कहने पर उसने एक पल के लिए भी युग को अकेला नहीं छोड़ा था। जब से युग ने यामिनी को मछुआरे के शिकार वाली बात बताई थी तब से ही यामिनी और भी ज्यादा सतर्क हो गई थी।
वो तो अब एक भी बार मंदिर के अंदर तक नहीं गई थी, ये देखने कि कामेश्वरी यक्षिणी तारा के साथ बाकी के यज्ञ किस तरह संपन्न कर रही है। क्योंकि युग जब भी मंदिर के पास जाता था और उसके कानों में मंत्रों की आवाज जाती थी तो उसके हाथ पर बने निशान फिर से चमकने लग जाते थे। सिर्फ निशान चमकने नहीं लग जाते थे बल्कि उसका सिर भी दर्द होने लग जाता था। इस वजह से युग के मंदिर न जाने के कारण यामिनी भी मंदिर नहीं जा रही थी। युग सोच ही रहा था कि क्यों उसके हाथ पर मौजूद निशान अपने आप चमकने लग जाते हैं, तभी यामिनी उसे टोकते हुए बोल पड़ती है, युग बाबू क्या है ये सब? युग यामिनी से पलट कर कहता है, क्या है से तुम्हारा क्या मतलब है यामिनी, अब तुम्हें क्या हो गया? यामिनी कुछ नाराजगी के साथ युग से कहती है, आप मुझसे पूछ रहे हैं युग बाबू मुझे क्या हुआ है, बताना तो आपको चाहिए कि आपको क्या हुआ है। युग अपने हाथों से अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है, मुझे क्या हुआ है? यामिनी युग को घूरते हुए कहती है, कुछ तो हुआ है युग बाबू, तभी तो आप पूरा दिन इस पत्थर पर बैठे रहते हैं। दिन तो छोड़िए, रात में भी कभी कभी इस पत्थर पर आकर बैठ जाते हैं। आखिर यहाँ पर बैठे बैठे आप सोचते क्या रहते हैं, किन ख्यालों में डूबे रहते हैं? युग मन में सोचने लग जाता है, अब मैं यामिनी को कैसे बताऊं कि मैं किस लिए परेशान हूँ। यामिनी फिर युग से बोल पड़ती है, जब से माँ ने तारा के साथ सप्तहोत्र यज्ञ शुरू किया है तब से मैं आपको नोटिस कर रही हूँ, आप कुछ खोई खोई से रहते हैं, मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते हैं, अपने में ही मगन रहते हैं। योग अभी भी चुप ही रहता है, यामिनी से कुछ नहीं कहता है। यामिनी कुछ गुस्से के साथ कहती है, योग बाबू अभी भी आप खोए हुए हैं, मुझसे बात ही नहीं कर रहे। योग यामिनी को एकटक देखते हुए बड़े ही नर्म लहजे के साथ कहता है, यामिनी तुम अच्छे से जानती हो कि मैं किन ख्यालों में खोया रहता हूँ, फिर भी तुम मुझसे ऐसे सवाल कर रही हो। यामिनी युग के हाथ पर जो निशान बने हुए थे उनकी तरफ देखते हुए कहती है, तो आप अभी भी इन निशानों के बारे में सोच रहे हैं? युग चुप ही रहता है, पर युग के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर यामिनी समझ जाती है कि उसने एकदम सही अंदाजा लगाया था। यामिनी इस बार बड़े प्यार से युग को समझाते हुए कहती है, युग बाबू मैंने आपसे कहा था ना आपको इन निशानों को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप फिर भी इसी बारे में सोच रहे हैं। युग पलट कर कहता है, कैसे ना सोचूं यामिनी, पूर्णिमा नजदीक आते जा रही है और पूर्णिमा के नजदीक आने के साथ ही मेरा मुझ पर से काबू हटते जा रहा है, मुझे डर है कि कहीं मैं उस भक्षानर का साथ। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले यामिनी उसे बीच में टोकते हुए बोल पड़ती है, युग बाबू आप ना बेवजह ही परेशान हो रहे हैं, आपको पता है आपका खुद पर पूरी तरह काबू है और हमेशा रहेगा, और इस वक्त आपको ये सब बस इसलिए लग रहा है क्योंकि आप वैसा सोच रहे हैं, अगर आप अच्छा सोचेंगे तो सब अच्छा ही होगा। और रही पूर्णिमा के नजदीक आने की बात, तो आप ये कैसे भूल रहे हैं कि पूर्णिमा के नजदीक आने के साथ ही तो हम लोग भी अपने मकसद के करीब आते जा रहे हैं। युग चुप ही रहता है। यामिनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, माँ ने तारा के साथ मिलकर 4 यज्ञ पूरे कर लिए हैं और आज सुबह ही उन्होंने 5वां यज्ञ भी शुरू कर दिया है, बस अब 3 दिन और, 3 यज्ञ की बात है और फिर देखना, यज्ञ पूर्ण होते ही और पुजारी जी के शंख रस को अभिमंत्रित करते ही तारा की शक्तियां भी जागृत हो जाएंगी, फिर सब कुछ हमारे हाथ में होगा। युग कुछ मायूसी के साथ कहता है, यामिनी ये जिंदगी जीना आसान होता अगर जैसा हम सोचते वैसा ही होता तो, पर तुम्हें भी पता है हम जैसा सोचते हैं हमारी जिंदगी में हमेशा वैसा नहीं होता है। यामिनी युग से पलटकर कुछ कहती उससे पहले उसकी नजर वर्षस्विनी और बिंदु पर पड़ जाती है जो मंदिर से होते हुए उन दोनों की तरफ ही आ रही थी। बिंदु और वर्षस्विनी युग और यामिनी के पास आकर ही रुक जाते हैं। युग बिंदु और वर्षस्विनी को उनके पास रुकता हुआ देखकर काफी हैरान रहता है, क्योंकि जब से वो कुटिया में रहने के लिए आया था बिंदु और वर्षस्विनी दोनों ने एक बार भी उससे ठीक से बात तक नहीं की थी, यहाँ तक कि वो उसे देखकर भी अनदेखा कर देती थी, उससे नजरें फेर लिया करती थी, पर आज पहली बार था कि वो खुद उसके सामने आकर रुक गई थी। जितना ज्यादा युग हैरान था उतना ही यामिनी भी थी। वर्चस्विनी युग से कहती है, मुझे और बिंदु को तुमसे कुछ बात करनी है युग। युग बड़ी विनम्रता के साथ कहता है, हाँ कहिए ना वर्चस्विनी जी, क्या बात करनी है आपको और बिंदु को मुझसे? युग की ये बात कहते ही वर्चस्विनी और बिंदु दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाती है। वो दोनों एक दूसरे को एकटक देखते हुए हाँ में अपना सिर हिलाती हैं और अगले ही पल युग की तरफ देखते हुए दोनों एक साथ अपने हाथ जोड़ते हुए बोल पड़ती हैं, हमें माफ कर दो युग। जैसे ही वो दोनों युग के सामने अपने हाथ जोड़ती हैं, युग तुरंत पत्थर पर से उठ जाता है और उन दोनों को हाथ जोड़ने से मना करते हुए कहता है, ये आप क्या कर रही हैं वर्चस्विनी जी, इस तरह मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? युग बिंदु से कहता है, बिंदु कम से कम तुम तो ऐसा मत करो।
बिंदु युग से कहती है, युग हमने काम ही ऐसा शर्मिंदगी वाला किया है कि हम क्या करें। युग पलट कर कहता है, क्या किया है तुमने। वर्चस्विनी बोल पड़ती है, हम दोनों ने तुम्हारी दोस्ती पर शक किया युग, वो दोस्ती जो तुमने पूरी शिद्दत के साथ निभाई है। वर्चस्विनी के ये बात कहते ही युग और यामिनी दोनों समझ जाते हैं कि वर्चस्विनी और बिंदु युग से किस बात की माफी मांगने आए हैं। वर्चस्विनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, हमें लगता था कि तुमने कछुए को मारा है, पर सच तो ये था कि तुमने तो उसे कभी मारा ही नहीं था, हमेशा उसे बचाने की कोशिश की थी। युग कुछ कहता उससे पहले ही बिंदु भी बोल पड़ती है, मुझे पता है युग, तुमने कायर को भी कुछ नहीं किया था, अब मुझे यकीन हो गया है तुम सच ही कह रहे थे। उस अमावस्या की रात कायर तुमसे मिला ही नहीं होगा, बल्कि उस काले साए ने पहले ही कायर के साथ कुछ कर दिया होगा। वर्चस्विनी कहती है, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है युग, हमें माफ कर दो। बिंदु भी बोल पड़ती है, मुझे भी युग। युग बिंदु और वर्चस्विनी से कहता है, वर्चस्विनी जी, आपको और बिंदु तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, उस वक्त हालात ही ऐसे बन गए थे कि क्या बताऊं। अगर उस वक्त मैं भी आप दोनों की जगह होता तो वही करता जो आप दोनों ने किया था। वर्चस्विनी और बिंदु खामोशी रहते हैं। युग फिर बोल पड़ता है, वर्चस्विनी जी, आपसे और बिंदु मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कायर और कछुए को कुछ नहीं होने दूंगा। उस भक्षानर के वश से उन दोनों को आजाद कराऊंगा और उन्हें सही सलामत आप दोनों के पास लाऊंगा। वर्चस्विनी नम आंखों के साथ कहती है, मुझे तुम पर यकीन है युग, तुम इस काम में जरूर कामयाब होगे। यामिनी युग से कहती है, अब तो आप मानते हैं ना युग बाबू कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। आप खुद देखिए, धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगी हैं, और आप देखना, उस काले साए का अंत होते ही सब कुछ ठीक भी हो जाएगा, और फिर हम सब दोस्त एक साथ रहेंगे, एक परिवार की तरह। युग चुप ही रहता है। वर्चस्विनी यामिनी के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है, मुझे तुमसे भी माफी मांगनी है यामिनी, मैंने तुम्हें भी गलत समझा। काश उस वक्त मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन कर लिया होता तो तुम तो कब की तारा की बची हुई दैवीय शक्ति जागृत कर चुकी होती और उस काले साए का अंत भी हो चुका होता। यामिनी पलट कर कहती है, अभी भी देर नहीं हुई है वर्चस्विनी जी, उस काले साए का अंत जरूर होगा, देखना। यामिनी, वर्चस्विनी, बिंदु और युग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी डायना की आवाज सुनाई देती है, बंधुआ वश, बंधुआ वश, बंधुआ वश। डायना यही एक शब्द बार बार इतनी कस कस कर चिल्ला रही थी कि उसकी ये आवाज कुटिया के बाहर तक सुनाई दे रही थी। यामिनी उस आवाज को सुनते हुए कहती है कि आवाज तो डायना की है, इसे क्या हो गया, ये इतने कस कर क्यों चिल्ला रही है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।